का जो थी, भले ही बीजेपी की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत हमारी बात मानी और मान के कुछ काम किया। अब ऐसी सरकार आ गई तो पता ही चला होगा कैसी सरकार है, अच्छी तो पता चला होगा। कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो, बीजेपी के लोग दुखी हैं, नाम नहीं लेंगे ना, हम अकेले बता देंगे, इतने दुखी तो रो पड़े कि सरकार कहते हम तो बर्बाद हो गए। हाँ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लोग। अब हम तो हैं विपक्ष के लोग, चलो ठीक है, लेकिन जिनका सत्ता में है, जो सत्ता उन्होंने बनाई है और इतना वादे किए, जो कहा प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपया देंगे साधारण नागरिकों को, 2 करोड़ को बुजुर्गों को रोजगार देंगे, अब क्या क्या गिना कितने कहा था, एक भी काम नहीं किया। क्योंकि अब सरकार, अब सत्ता में जाएंगे तो पूछेंगे लोग, निश्चित पूछेंगे। अब जागरूक भी किसान भी है, नौजवान भी है, व्यापारी भी है, और सबसे ज़्यादा घाटे में चला गया व्यापारी और किसान, बिल्कुल बर्बाद हो गया किसान व्यापारी। तो आज मैं फिर दोहराना चाहता हूँ साथियों से कि आप दबाव दीजिए प्रधानमंत्री पर, हम तो कह चुके हैं, मिलके कह चुके हैं, उन्होंने ना तो नहीं किया, ने किया नहीं अभी कुछ, ना किया नहीं। अब विचित्र ये सरकार ना करती नहीं और कब करती थी, तो इसका क्या बना है, यहाँ तो ना कर दो तो हम गुजारो, चला कहें कहें तो हम कहेंगे मिल के आए ना, उन्होंने हाँ कर दिया, कह दिया पैसे भी कह दिया। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमने किया था उनको फिर लागू किए नहीं। अब ये बैठे हैं रघुशर चंद सिंह जी मेरे साथ थे, सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, बीमार को अगर विदेश में जाना पड़ा तो विदेश में खर्चा दे दिया, क्योंकि पैसे के अभाव में बीमार की जान चली जाए ये हम नहीं सोच सकते। तो आज पैसे के अभाव में वो तो हो रहा है, अभी दवाई तो पढ़ाई है मुफ्त जो हम करके आए वो तो है, वो मजबूरी है, चल रहा है, लेकिन और सुविधा नहीं दी गई, और सुविधा में कटौती की गई है, और चतुराई से की सरकार चलाई जाती है कि जनता जाना नहीं, और पिछले रहते जो सुविधाएँ दी थी थोड़ी थोड़ी कटौती कर दो। अब क्यों तरीका अपनाया था सरकार, तो वो आप जान सकते तरीका अपनाया, ये सही है कि अभाव है, ये हम मानते हैं अभाव है, पैसे का अभाव है यूपी में, ये सही है, मुख्यमंत्री अब कोई क्या कर सकता, लेकिन जब इतना बड़ा प्रदेश है, 1/6 है देश का हिस्सा, वो संपन्न हो जाए तो हिंदुस्तान संपन्न हो ही जाए, तो वैसे सुविधा भी कोई देना चाहिए, और किसान को सब देश भर में देना चाहिए, बेरोजगार नौजवान को देश भर में देना चाहिए, ये दो ही काम करते हैं और इनका बेचने का इंतजाम करते हैं। अब व्यापारी जो है वो तो समझ गए होंगे कि अपनी खरीद पकता हमें कुछ है ही नहीं, आपको पता लगा दिए लखनऊ में बैठ के व्यापारियों को, सभापति जी किसानों को व्यापारी को बुला के पूछिए, आपसे कुछ लोग तो आंसू डाल जाए, ये हालत खराब है व्यापारियों की, तो व्यापारी की हालत है तो किसान को कैसे खरीद करेंगे, वो असर किसानों पड़ता है। और मैंने आपको पहले उदाहरण दिया था कि अमेरिका में सबसे पहले किसान को सुविधा दी और ज़्यादा पैदावार बढ़ा दी और खरीद नहीं हुई, समुद्र में फेंकवा दिया लेकिन किसान को घाटा नहीं मिल गया, तब अमेरिका आगे पहुंचा, सबसे पहले किसान की सुविधा देने का और किसान को प्राथमिकता दी है अमेरिका ने, उसकी बदौलत हिंदुस्तान का दुनिया में संपन्न हो गया देश। तो आज फिर दोहराना चाहते भूल तो चुके हैं, अब लेकिन प्रधानमंत्री से व्यक्ति रूप से तो कह ही चुके, तो उनका ज़्यादा हम लोग करना भी नहीं चाहते, कह चुके हैं ना किया नहीं, हाँ किया है, अब वादा किया है करेंगे, अब करेंगे तो करिए, हम उनको बधाई भी दे देंगे कि कब करेंगे।
इसी हम कहना चाहते हैं आपसे कि एक तो किसान और नौजवान को रोजगार ये देना चाहिए। अब ये जो आपको पता है कि पूरे देश में कुछ हो रहा है, हमें सिंचाई मुफ्त की, पढ़ाई मुफ्त की, दवाई मुफ्त की, 1650 करोड़ भूमि विकास बैंक का कर्जा माफ किया, वही सबसे ज़्यादा जमीन नीलाम करा देते थे और बड़े लोग उनको रुपया देते रहते थे और फिर जब वो नहीं दे पाते तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज जमीन। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मथुरा का किसान गया, हमारी सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, हमारी भी तो ब्याज दूसरा था, उतना रावस का निकला, तो उसने कहा कमाई जमीन नीलाम हो गई। मैंने कितना कर्जा था, कर्जा 5,000 था, कितना कर दिया, 70,000 कर दिया और जमीन नीलाम कर दी, भूमि विकास बैंक का कर्जा था तो जमीन नीलाम हो गई। आप पता लगा दिया, सभापति आपको पता होगा, वो रुपया हमने किसानों पर कर्जा करके भूमि विकास बैंक को दे दिया, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं होनी थी। तो जो हम गया सभा करने सादाबाद में, सो खड़ा हो गया पीछे चलाने लगा, वो हमारे माफे बोल रहा था, मैं कहते कहा भाई सवाल कर रहा है, तो बोले नहीं साहब आपकी तारीफ कर रहा है, भगवान आगे मेरी जमीन बैठा दी। तो किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, व्यापारी को सुविधा देनी पड़ेगी और नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। और इसके लिए क्या और क्या हम लोग बोले, ये नहीं कह सकते हमारे गृहमंत्री जी बैठे हुए, हम बोल रहे थे मरियापुर, हमें जवाब दिया था हमें उसके अखबार के बाद से कि ये पढ़ाई कैसे मुफ्त कर देंगे, ये बाद में करने ना बात, पढ़ाई मुफ्त कैसे कर देंगे, दवाई मुफ्त कैसे कर देंगे, सिंचाई मुफ्त कैसे कर देंगे, बोला यहाँ कह गए हम मरियापुर में कहा। तो मैंने जब कर दिया तो हम क्या पूछे जाएंगे, तो पूछे नहीं आए, लेकिन इनका व्यवहार सही था, किसानों के लिए कर भरी नहीं पा रहे हूँ धन के अभाव में, लेकिन किसानों ने संबंध भाषण भी दिया अच्छी तरह हाउस के अंदर और पैसे भी उन्होंने समझा दे सकते थे। अब इसके बाद किसानों क्या हुआ, अब किसानों का क्या हुआ, आपके मुख्यमंत्री हैं क्योंकि कोई हमारे क्या नहीं करना चाहते, क्या कर रहे हैं बता दो, क्या कर रहे हैं कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये हालत आज है। इसे हम कहना चाहते हैं कि बार बार नहीं हम बता चुके हैं कि भाई किसी तरह से आप किसान को और नौजवानों को रोजगार दो, अभी फिर नहीं आए कुछ, आप ही करिए कुछ, कभी नहीं होता है कितने नौजवानों को रोजगार देगी, रोजगार रोजगार जो घूम रहे, अब 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है जो बेरोजगारों को नौकरी मांग रहे हैं, तो बता दिए 2 करोड़ जो नौजवान बेरोजगार है तो क्या संपन्न हो जाएगा, नहीं हो सकता संपन्न। लेकिन ये सही है कि सबसे ज़्यादा मेहनती किसान हिंदुस्तान का है और विशेषकर उत्तर प्रदेश का, उसने अपनी हालत को सुधारा है कुछ मेहनत से, हमारा आपके कुछ सहयोग से, अभी नहीं कहेंगे कि आपने नहीं सहयोग किया, थोड़ा आपने भी सहयोग किया, हमने आग्रह किया बहुत तो किया है। तो इसलिए जो बहस हो रही है तो ये बहस में किसान कोई बोल ही नहीं रहा तो बेरोजगार नौजवान के लिए क्या करेंगे, कुछ तो आप वादा कीजिए, नहीं मैं किसानों को और बेरोजगार नौजवानों को आप करिए, और शिक्षा के मामले में स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिकता दीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की है ना, अगर स्वास्थ्य अच्छा है और शिक्षित है जो का नागरिक वही देश संपन्न है, वही अमेरिका है। अमेरिका उदाहरण लीजिए, अमेरिका ने समुद्र फेंकवाया था, लेकिन किसानों को घाटा नहीं हुआ।
तो अमेरिका ने किसान और शिक्षित नौजवान को प्राथमिकता दी थी, उसी पर आप शहर निकल के आ गए। और आप यहाँ सबसे मेहनती किसान है और सबसे बढ़िया उपजाऊ जमीन है हिंदुस्तान के अंदर, इतनी